हे गाइस नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही यूजफुल है आप सभी के लिए। गाइस जैसे कि आप शाम को चावल बनाते हैं, दाल चावल या फिर काली दाल खिचड़ी, तो बच जाते हैं, अक्सर ही बच जाते हैं गाइस। तो उन बचे हुए चावलों से हम क्या रेसिपी बनाकर रेडी कर सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, मैंने लगा दिया है देसी घी कढ़ाई में, और लगा दिए हींग, और थोड़ा लगा दूँगी जीरा, साबुत लाल मिर्च, इनका लगाऊंगी मैं तड़का। और मैंने बनाई थी काली दाल की खिचड़ी, तो वो बची हुई रखी हुई है गाइस, आज उससे मैं रेसिपी बना रही हूँ। एक न्यू रेसिपी, आप देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बनकर रेडी हो जाएगी गाइस। गाइस तड़का लगाने से पहले मैंने कुछ सब्जियाँ कट करके रखी हुई हैं, जैसे कि गाजर है, मटर है और एक टमाटर। तो आप टमाटर अपने मर्ज़ी के अनुसार ले सकते हैं, एक या दो ले सकते हैं, जैसी क्वांटिटी में आप चावल हैं बना रहे हैं तो उस हिसाब से। मैंने एक टमाटर लिया है, मीडियम साइज़ था, और मैंने मटर देखिए, और मैंने अब लगा दिया है टमाटर कढ़ाई में, मतलब तड़के में, और इसे थोड़ा हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं लगा दूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और बस इतना ही मसाला, ज़्यादा नहीं, नमक टेस्ट के अनुसार। मसाला अगर ज़्यादा लगाएंगे तो कुछ और ही बन जाएगा गाइस। हल्का सा मसाला आप गरम मसाला डाल सकते हैं। तो गाइस अब लगा देते हैं इसमें चावल। मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करी है सब्जियाँ, थोड़ा क्रंचीपन आता है सब्जियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने इसमें खिचड़ी वाले चावल मैंने डाल दिए हैं, और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके मैं इसे लंच बॉक्स में भी रख दूँगी। आप भी रख सकते हैं, बच्चों के, अपने हस्बैंड के, किसी के भी लंच बॉक्स में आप इसको रख सकते हैं। ये कढ़ाई नहीं कह सकते, तो तवा पुलाव आप इसे कह सकते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा पुलाव बनकर रेडी हो जाता है बहुत ही कम समय में। देखिए बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेसिपी को ज़रूर से आप ट्राई करना, और अच्छा ना लगे आपको तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तब भी ज़रूर से बताना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।